वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया की तस्वीर साफ। किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका तो कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर, खुद बीसीसीआई की तरफ से इसकी तस्वीर साफ कर दी गई है। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023, जो प्लेटफॉर्म भारत फाइनल में आकर हार गया, लेकिन अब एक और मौका है और जो मैच 2-4 महीने बाद में ही शुरू होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, जिसमें कप्तान नया होगा, नई टीम का ऐलान होगा। जी हां, बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां टीम इंडिया एक बार फिर ICC ट्रॉफी जीत सकता है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नई टीम का ऐलान किया जाएगा। इसकी तस्वीर खुद बीसीसीआई ने साफ करी है। कप्तानी के तौर पर रोहित शर्मा को ही कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है, रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की लीडरशिप यानी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी कप्तानी में बाकी पूरी टीम बदल दी जाएगी। और जैसा कि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है, हर एक सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, तो उन्हीं खिलाड़ियों में से परफेक्ट हम आपको 15-16 सदस्य बताएंगे जो आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 में नजर आएंगे और इसकी तस्वीर साफ कर दी गई है। चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कमेंट में बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 के ओपनिंग स्लॉट में आप किन दो खिलाड़ियों को देखते हैं। बाकी जानते हैं पूरी स्क्वाड इसे खास रिपोर्ट में। तो जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अब चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार T20 के मुकाबले खेले जा रहे हैं और उसमें जो टीम का ऐलान किया जाता है उसी से तो डिसाइड हो जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की स्क्वाड क्या रहेगी। और बीसीसीआई ने लगभग 15-17 सदस्यों का मूड भी बना लिया है और उन्हीं में से मिलने वाला है मौका। 20 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट तो खैर कब की तैयार हो गई है। चलिए एक एक करके जानते हैं पूरा स्क्वाड क्या रहेगा भारत का और किन दिग्गज खिलाड़ी को मिलेगा मौका या किन की होगी छुट्टी। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा का नाम दिया गया है। अब रोहित शर्मा के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन जब रोहित शर्मा ने पूछा तो बीसीसीआई ने साफ कहा कि वो वर्ल्ड कप 2024 में उन्हीं को कप्तान कंसीडर कर रहे हैं। तो रोहित ने कहा चलो मैं अपनी तैयारी करना शुरू करता हूं। रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन टीम इंडिया के लिए अब T20 फॉर्मेट में धमाल मचाने को तैयार है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में भी इन्होंने उस तरह की बल्लेबाजी करी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं T20 फॉर्मेट में। अब रोहित शर्मा काफी हद तक कप्तानी करेंगे, टीम मैनेजमेंटिंग पूरी देखेंगे और देखने वाली बात है रोहित शर्मा किस तरह से टीम को आगे ले जाते हैं। बल्लेबाजी तो खैर कमाल की करते हैं ही। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का आएगा, ये भी पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लगातार खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, इनकी तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है और खासतौर पर T20 में गैर शिफ्टिंग का काम ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इम्पैक्टफुल पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं, T20 में शतक लगा चुके हैं, तो उस लिहाज से भी भारत के उभरते हुए नए स्टार खिलाड़ियों में से एक शुभमन गिल बहुत ही कमाल दिखेंगे। इनके आगे नाम विराट कोहली का आएगा। जी हाँ, विराट कोहली के ऊपर सबसे बड़ा सवाल था कि वो खेलेंगे या नहीं, हालांकि इसके ऊपर सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि बीसीसीआई ने हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में विराट कोहली को मौका नहीं दिया। क्या इसका मतलब ये हो गया कि क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप 2024 का हिस्सा नहीं होंगे? हालांकि विराट कोहली के T20 में आंकड़े तो शानदार है एज कम्पेयर टू रोहित और विराट, दोनों सेम स्ट्राइक रेट के साथ में खेलते हैं उन आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन हाँ विराट कोहली अब देखने वाली बात है, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप 2022 को भी देखेंगे तो वहाँ विराट का वो पाकिस्तान के खिलाफ पारी को भला कोई भुला सकता है क्या? तो उस तरह की अगर बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट विराट करते हैं और IPL किस तरह से जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो विराट कोहली लगभग चयन पक्का माना जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। इनसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नाम यशस्वी जायसवाल का आएगा। इनफैक्ट विराट कोहली से पहले नाम आना चाहिए था, बहुत ही कमाल की ये खिलाड़ी है और यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय से अपने आप को उस बल्लेबाजी के समक्ष पेश किया है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, इसलिए ओपनिंग पैर के प्रबल दावेदार बन जाते हैं और जिस इंटेंट के साथ में खेलते हैं वो ये दिखाता है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। किसी भी एंगल से पूरी तरह से मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, पावर प्ले को डोमिनेट करते हैं, पहली गेंद से ही विरोधी खेमे में खलबली मचाने का ये क्षमता रखता है ये खिलाड़ी, बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। तो यशस्वी जायसवाल भी उस स्क्वाड के प्रमुख अंग बनेंगे। इनके आगे नाम सूर्य कुमार यादव का आएगा। टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री, नंबर 4 पर प्रबल दावेदार, प्लेइंग 11 का हिस्सा, मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता तो फिर
हर एक एंगल से टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये बनते जाएंगे। सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से भारत के टी20 फॉर्मेट के नंबर वन बल्लेबाज भी बने हुए हैं। इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का भी आएगा। ये भी खिलाड़ी पिछले कुछ समय से भारत के हर एक फॉर्मेट में खेल रहा है। बहुत ही कमाल की ये बल्लेबाजी करता है। श्रेयस अय्यर ने अपने आप को उस बल्लेबाजी के समक्ष पेश किया है। बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, इंटेंट चेंज कर सकते हैं और गेम को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इनके आगे नाम ईशान किशन का आएगा। पिछले कुछ समय से ईशान किशन ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। हालांकि ओपनिंग पेयर में अब इनकी जगह उतनी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में एज अ ओपनिंग बैकअप या विकेट कीपर बैकअप के तौर पर देखेंगे तो इनका नाम सबसे आगे आएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि ऋषभ पंत तब तक फिट हो जाएंगे, तो या तो ईशान किशन खेलेंगे और अगर ऋषभ पंत ने इनसे भी अच्छा कर लिया तो उनकी जगह बन जाएगी। इन दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा, इसमें भी आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत भी दमदार खिलाड़ी है, वो भी बहुत ही शानदार करते हैं। अगर चोटिल नहीं होते तो टीम इंडिया के हर एक स्क्वाड और प्लेइंग 11 में अपनी जगह वो लगभग पक्की कर रहे थे। तो देखने वाली बात ईशान किशन / ऋषभ पंत होगा। और इनके आगे नाम जो आएगा वो रिंकू सिंह का आएगा। वो भी कमाल के खिलाड़ी है, टीम इंडिया के नए फिनिशर के तौर पर देखे जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है। जी हाँ, रिंकू सिंह मैदान में कितने भी प्रेशर मुकाबले को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। रिंकू सिंह के अंदर वो काबिलियत दिखाई देती है और इतना ही नहीं, बड़ी पारी भी खेल सकते हैं, वो इंटेंट दिखाते हैं, तो वो हर एक एंगल से रिंकू सिंह आपके लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। इनके आगे ऑलराउंड पैकेज में नाम हार्दिक पांड्या का जाएगा। ये भी खिलाड़ी बहुत ही कमाल के है। टीम इंडिया सही मायनों में अगर कोई संतुलन पैदा करता है तो वो हार्दिक पांड्या है। गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट चटकाने की वो काबिलियत रखते हैं और उसके साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। मैच को फिनिश करने की क्षमता, विस्फोटक अंदाज में रन बनाने की क्षमता, बम ब्लास्ट करने की क्षमता भी इनके पास में नजर आती है। तो हार्दिक पांड्या आपके लिए वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएंगे। इनके आगे नाम टीम इंडिया के रविंद्र जडेजा का भी आएगा। अभी इसमें कोई दोराय नहीं कि रविंद्र जडेजा की ओर ही टीम इंडिया देख रही है। 3D प्लेयर है, कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत ही शानदार करते हैं, वो स्पिन गेंदबाजी में हर किसी को फंसाने की क्षमता रखते हैं और उसके साथ में जो बल्लेबाजी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर करते हैं वो आपको गहराई प्रदान करती है। तो उस लिहाज से भी टीम इंडिया के रविंद्र जडेजा प्रमुख खिलाड़ियों में शुमार हो जाते हैं, इसमें भी आपको कोई दो राय होना नहीं चाहिए। रविंद्र जडेजा के आगे जाएंगे तो फिर नाम अक्षर पटेल का आएगा। देखिए, अक्षर पटेल भी एज अ बैकअप जगह बनाएंगे ऑलराउंड पैकेज के तौर पर, क्योंकि पिछले कुछ समय से अक्षर पटेल ने भी टी20 फॉर्मेट में अच्छा ही खेल दिखाया। फिर वो चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, हर एक एंगल से अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए हैं और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया अक्षर पटेल की ओर जा सकती है। अब आप बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, तो चूंकि जडेजा अक्षर पटेल आपके पास है तो फिर एक और स्पिनर की जरूरत आपको पड़ेगी। उसमें दो खिलाड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, एक तो कुलदीप यादव कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से कुलदीप ने भी शानदार खेल दिखाया है, फिर वो चाहे वनडे फॉर्मेट हो टी20 फॉर्मेट हो, शानदार दिखे हैं, विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन इसके साथ में रवि बिश्नोई को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो या तो कुलदीप यादव खेलेंगे या स्लैश लग जाएगा रवि बिश्नोई के तौर पर, क्योंकि ये खिलाड़ी फिलहाल बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। हर एक एंगल से विकेट चटकाने की क्षमता रखता है, पावर प्ले में गेंदबाजी करके विकेट चटका रहे हैं, वो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, तो हर एक वो क्षमता इन्होंने दिखाई है। तो इसीलिए कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई। चलिए, इनसे आगे आप बढ़ते हैं तो फिर आप तेज गेंदबाजी आक्रमण की ओर जाएंगे। वहां पर आप 3-4 बड़े नाम ढूंढते हैं, क्योंकि एक तो हार्दिक पांड्या आपके पास है तो फिर जसप्रीत बुमराह को किसी भी एंगल से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय से जसप्रीत बुमराह ने हर एक गेंदबाजी यूनिट में शानदार परफॉर्मेंस दी है जब से वापसी करी है वो। जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं और फिर नई गेंद से जो गेंदबाजी 2 ओवर करवाते हैं वो भी कमाल के है। तो जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और नई गेंद स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। इनके साथ में नाम जो आएगा वो दीपक चहर का आएगा। ये भी गेंदबाजी में पिछले कुछ समय से भारत की टी20 फॉर्मेट में लगातार जगह बनाते जा रहे हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता जो इस खिलाड़ी के पास में वो काबिले तारीफ है। विकेट चटका सकते हैं, नई गेंद जब स्विंग करती है तो ये स्विंग का जादूगर बहुत ही कमाल दिखता है और बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत गहराई भी आपको देते हैं। इनके आगे नाम जो आएगा वो मोहम्मद शामी या सिराज, इन दोनों में से कोई एक जगह बनाएगा। क्योंकि देखिए, सिराज अच्छा करेंगे तो सिराज बनाएंगे, शामी अच्छा करेंगे तो शामी बनाएंगे, स्लैश इनके ऊपर जरूर लगेगा। और एक अंतिम नाम हम जो देना चाहेंगे वो अर्शदीप सिंह का भी रह सकता है। अर्शदीप सिंह या फिर मुकेश कुमार, यहां पर भी एक सवाल या निशान जरूर रहेगा। तो यह है टीम इंडिया की टी20 स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप 2024 जो हम ऐसा मानते हैं। हालांकि स्टैंड बाय में कुछ और नाम चले जाएंगे जिसमें मुकेश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और भी बहुत से नाम अवेलेबल रहेंगे। तो यह है टीम इंडिया की स्क्वाड फॉर द टी20 वर्ल्ड कप।